हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस एंड वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे फॉर द एग्जाम। तो जैसे आप सबको पता है कि हम यहां पे डेली बेसिस में आप सबके लिए 5 डेज का पांच क्वेश्चंस हर दिन आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे जैसे आप सबने पता सुना ही होगा एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, उसी तरह फाइव क्वेश्चंस ए डे की फेलियर अवे। तो हर दिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पांच क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे सर टीचिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट किया है, बहुत ही जल्दी आपको सारे के सारे यूनिट्स के ऐसे ही पांच क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इससे आपका पेपर वन बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बहुत ही डेवलप हो जाएगा। अगर आप हर दिन पांच क्वेश्चन डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो तो आपके एग्जाम आते आते आपके पास एक बहुत अमाउंट ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे, ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन। yes. आपके मतलब अनजाने में ही आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, आपको पता नहीं चलेगा। देखो होता क्या कि स्टूडेंट्स अगर एंड मोमेंट में ही सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व करने बैठते हैं एंड एक साथ में इतना सारा क्वेश्चन, वो घबराते हैं कि कैसे करेंगे, टाइम नहीं होगा। लेकिन देखो छोटा छोटा सा स्टेप लो स्टार्टिंग से ही, अभी जैसे आपका एग्जाम खत्म हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम होने में बहुत दिन अभी बाकी है, तो ये जो टाइम गैप है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। देखो पांच क्वेश्चंस कितना सर, 15 मिनट 20 मिनट के अंदर आप सॉल्व हो जाएंगे, सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन विद कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड ऐसे करते करते आपका जैसे बोलते हैं ना छोटे छोटे बूंद मिलकर मटका भरता है, एक सागर रहता है। सेम तरीके से यहाँ पे पांच क्वेश्चन आप कैलकुलेट करो, जब तक आपका एग्जाम होगा कितने सारे क्वेश्चन आप कर लिए होंगे एंड वो भी डिफरेंट यूनिट। यस, तो सर इससे पहले सर हमने 2 सेशन ले चुका हूं मैं ऑलरेडी, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको दोनों सेशन मिल जाएंगे। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इसी तरह के छोटे छोटे कंटेंट आपको पेपर वन रिलेटेड या फिर जो भी आपके पेपर टू रिलेटेड कंटेंट आपको हम पे भर भर के दे रहे हैं, और साथ ही साथ हर दिन हम आपके लिए एक न्यू छोटा छोटा इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि आपका पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होगा आपका। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बोला कि द की बिहेवियर ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज मार्क्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। तो एक टीचर का जो भी की बिहेवियर है उसको हम कौन से फीचर के थ्रू यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं। ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, स्ट्रक्चरिंग, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, लेसन क्लैरिटी एंड प्रोबिंग। तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 वहां पे की मतलब की बिहेवियर दिया गया है, इसके हिसाब से आपको चूज करना होगा कि कैसे हम यहाँ पे कौन से ऐसा पैरामीटर है या फिर कौन से क्राइटेरिया है जिसको यूज करके एक टीचर का हम की बिहेवियर को हम वहां पे हम मार्क कर सकते हैं। तो 2 तरीके का बिहेवियर होता है, एक टीचर का की बिहेवियर और एक हेल्पिंग बिहेवियर होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको पूछा है क्वेश्चन में, कीवर्ड दिया है की बिहेवियर, पूछा है आपको क्वेश्चन में। अब अगर आप देखते हो की बिहेवियर का निमोनिक्स क्या है, TILES। अब बस ये अगर आपको निमोनिक्स याद है तो इसको आप इजिली यूज कर सकते हो। देखो प्रोबिंग तो आएगा नहीं, प्रोबिंग का मतलब क्या है, हिंट देना। एक टीचर आपको सपोर्ट के लिए हिंट देता है कि आप आंसर को एक्सप्लेन कर पाओ, तो ई को आप इजीली एलिमिनेट कर दिए यहां से। उसके बाद देखो स्ट्रक्चरिंग, ओके, टीचर टास्क ओरिएंटेशन ये होगा, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी दे रहा है और लेसन क्लैरिटी। ओके, तो बी सी डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने यहां पे एड ऑन किया है। तो देखो यहां पे अगर आप एक्सप्लेनेशन में जाओगे तो की बिहेवियर क्या है और आपके हेल्पिंग बिहेवियर क्या है। तो अगर आप की बिहेवियर में देखते हो तो लेसन क्लैरिटी, तो सबसे पहले लेसन क्लैरिटी कैसे होगा, आप एक लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में जाओगे और जो भी आप लेसन के बारे में पढ़ा रहे हो, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, उसको प्रॉपरली क्लियर और ऑडिबल वे में एक स्टूडेंट को डिलीवर करोगे। उसके बाद आता है आपका इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। अब इंस्ट्रक्शनल वेराइटी क्या है, आप जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसके अंदर कुछ वेराइबिलिटी आना चाहिए, वेराइटी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको हर दिन एक ही खाना मिल रहा है और आप वही खाना खा के संतुष्ट हो रहे हो, आपको वेराइटी डिश मिलना चाहिए। तो वेराइबिलिटी इन मटेरियल्स, उसके साथ साथ क्वेश्चनिंग फीडबैक का सपोर्ट मिलेगा और टीचिंग स्ट्रेटजीज आपका कैसा है, आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज करके आप अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवा रहे हो। टीचर टास्क ओरिएंटेशन, कंटेंट ओरिएंटेशन इंस्टीड ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेशन, यहाँ पे आप कंटेंट के ऊपर काम करना चाहते हो, आप जो भी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो कंटेंट के ऊपर ज्यादा से फोकस कर रहे हो, क्वालिटी कंटेंट के ऊपर फोकस करते हो, तो ये होता है टीचर का टास्क। फिर होता है आपका स्टूडेंट एंगेजमेंट। अब देखो आपके पढ़ाई के प्रोसेस में आप जो भी पढ़ा रहे हो स्टूडेंट कितना ज्यादा आपके प्रोसेस में एंगेज हुआ है, अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूं, अगर वहां से मुझे रिस्पॉन्ड नहीं आएगा तो ये एक एंगेजमेंट प्रोसेस नहीं हो पाएगा।
तो एक टीचर को हमेशा स्टूडेंट को एंगेज करके चलना पड़ेगा, उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे लिमिटेशन डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। और स्टूडेंट को हमेशा कंटेंट के ऊपर काम करवाना एक टीचर का सबसे ज्यादा रोल होता है। अब फिर अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस, अब देखो सक्सेस मतलब क्या है, हाई परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंट ऑन टास्क दैट प्रोवाइड मॉडरेट टू हाई लेवल ऑफ सक्सेस। अब देखो की बिहेवियर में सक्सेस क्यों आता है, सक्सेस इसलिए आता है कि जो भी आप पढ़ा रहे हो कितना स्टूडेंट सक्सेस रेट मिल रहा है, कितना परसेंट वो टाइम स्पेंड कर रहा है टास्क के ऊपर, जिसके चलते उसका हाई लेवल ऑफ सक्सेस देखने को मिलता है। तो इसका निमोनिक्स आप याद कर लो, सिंपली TILES, टाइल से याद रख लो, टी से याद रख लो टास्क ओरिएंटेशन, आई से याद रख लो इंस्ट्रक्शन वैरायटी, एल से याद रख लो लेसन क्लैरिटी, ई से याद रख लो आप स्टूडेंट एंगेजमेंट कितने एंगेजमेंट, और उसके साथ साथ एस से याद रख लो सक्सेस रेट। उसके बाद आपका हेल्पिंग बिहेवियर आता है, हेल्पिंग बिहेवियर रिलेटेड टू इफेक्टिव टीचिंग। अब देखो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स का आइडियाज को यूज कर रहे हो और कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द लेसन। अब यहाँ पे आप एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, मतलब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स का आइडियाज को यूज कर रहे हो, वो जो भी आइडियाज दे रहे हो उनका आइडिया को यूज करके आप लेसन प्लान बना रहे हो, उसके साथ साथ आप लेसन को एक स्ट्रक्चर्ड वे में ले रहे हो, एक एडवांस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज मेंटल एंड एक्टिविटी स्ट्रेटजीज। यहाँ पे आप कंटेंट डायरेक्ट एंड प्रोसेस जो होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को भी उनको मदद करवाते हो, उनको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछते हो साथ ही साथ उनको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ देते हो, उनको प्रोबिंग में हेल्प करते हो। प्रोबिंग मतलब अगर वो आंसर नहीं दे पा रहे तो आप उनको छोटा छोटा हिंट प्रोवाइड करते हो ताकि वो आंसर कर पाए। उसके साथ साथ बी इन्वॉल्व इन योर टीचिंग, सो इंटरेस्ट, यहाँ पे आप गेस्चर्स, यूजिंग गेस्चर्स का आप यूज करते हो, आप आई कॉन्टैक्ट प्रॉपरली यूज करते हो स्टूडेंट्स के साथ बात करते समय, टू कॉम्युनिकेट नर्चर, एक प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्ड करते हो किसके साथ, लर्नर के साथ। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर, और ये 100% सियोरिटी के साथ आपके नेक्स्ट शिफ्ट में नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस का हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, हमने मतलब चूज करके अच्छा अच्छा क्वेश्चन, जो भी अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट के ऊपर हमेशा से आपके प्रीवियस ईयर्स में आप, या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन को हम वहाँ पे आपके से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पांच पांच क्वेश्चन कर रहे हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन ले आए, ये दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड से हम यहाँ पे बात करें। जो भी आपके यूनिट के क्वेश्चन देखोगे दोज विल बी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके डिफरेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं एंड पूछे भी गए। तो इसीलिए देखो ओनली क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन का आंसर विथ एक्सप्लेनेशन एंड वो किस टॉपिक के ऊपर, कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा गया है, वो कॉन्सेप्ट भी हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करें, ताकि सेम कॉन्सेप्ट से अगर डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछा गया तो आप आराम से या फिर इजिली आप वहाँ पे आंसर कर सकते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि गिवन विल आर टू स्टेटमेंट्स, यहाँ पे स्टेटमेंट या स्टेटमेंट वाइज आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो पहले आपके पास एक एसर्शन है, एसर्शन क्या बोल रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, जिसको एफए बोलते हैं, इज ए प्रोसेस लिंक्ड एंड डायरेक्टेड एट रेजिंग मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट लेवल इन लर्निंग, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। इसका रीजन क्या बोल रहे हैं, रीजन क्या बोल रहे हैं कि द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग आउटकम्स। तो जो भी लर्निंग आउटकम है उसका क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम वहां पे फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट आपको लिखा गया है, तो इसमें से बताओ कि दोनों सही है या फिर दोनों गलत है, या फिर ए तो सही है लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, या फिर एक्सप्लेनेशन तो सही है लेकिन वो आपके जो भी असेसमेंट है वो आपके गलत है। ऐसे आपके पास चार ऑप्शंस आपको गिवन है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, सबसे पहले तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में ये क्वेश्चन पूछा, हमें पता चल गया है। अब देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, ये क्लासरूम असेसमेंट होता है, क्लासरूम के अंदर ही हो जाता है आपका। अब जब क्लासरूम के अंदर होता है, जैसे अभी हम क्लासरूम एनवायरमेंट में मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, अब अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, अगर आपको थोड़ा डीमोटिवेटेड फील होगा, तो अभी हम क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर ही मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ। आई कैन रेज योर मोटिवेशन, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपके साथ क्या हो रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपके साथ एंगेज हो रहा हूँ, तो एंगेजमेंट इन लेवल लर्निंग भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बोल रहा है। अब इंडिविजुअली एसेसमेंट को ट्रू हो गया। अब देखते हैं रीजन में क्या दिया है।
अब जो पर्पस होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या होता है, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग आउटकम। ऑब्वियसली अब क्लासरूम के अंदर ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। अगर अगर आपको लगता है कि आपका टीचिंग क्वालिटी अच्छा नहीं है, आपका टीचिंग मेथड सही नहीं है, तो यहाँ पे आप अपना टीचिंग मेथड्स को चेंज कर सकते हो और उसके साथ साथ क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। तो ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। और यहाँ पे अगर आप एसेसन देखते हो, यहाँ पे भी फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे भी फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं और रीजन जो दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका एसेसन का। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए सर चलते आगे, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन होता है एजुकेशन फील्ड में। एक होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या है, यू हैव टू प्लेस द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। जैसे जॉब में आपने देखा होगा, जॉब आपका जो इवैल्यूएशन होता है, टू प्लेस द राइट कैंडिडेट एट द राइट प्लेस। उसी तरह आपका कोई भी कॉलेजेस या फिर कोई भी यूनिवर्सिटीज में जाने से पहले आपका छोटा मोटा टेस्ट होता है। जैसे पीएचडी में एनरोल करने से पहले आपका वो कॉलेज, स्पेसिफिक कॉलेज या फिर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज का टेस्ट होता है। तो क्यों होता है, वो टाइप ऑफ इवैल्यूएशन को हम बोलते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। यहां पे हम राइट कैंडिडेट को राइट प्लेस में डालने के लिए ये टाइप का इवैल्यूएशन करते हैं, जैसे आपका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। फिर होता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब देखो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन के प्रोसेस के टाइम में ही हो जाता है। अब यहां पे देखो कीवर्ड क्या दिया है, यहां पे आपको कंटिन्यूस बेसिस में फीडबैक मिलते रहेगा टीचर एज वेल एज स्टूडेंट दोनों को, दोनों को यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस में फीडबैक मिलता रहेगा। फिर आता है आपका समेटिव, समेटिव मतलब समेट लेना सब कुछ एट द एंड, सब कुछ समेट लेना मतलब एट द एंड, इट टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन टू नो व्हाट एक्सटेंट द ऑब्जेक्टिव आर प्रीवियसली फिक्स्ड हैव बीन अकॉम्प्लिश्ड। और ये टेस्ट क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि हमने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया था, क्या हमने वो ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश किया, क्या हमने वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे फाइनल टेस्ट होता है आपका, मिड टर्म एग्जाम्पल होता है, एग्जाम होता है, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, ये सब आपके आ जाते हैं समेटिव इवैल्यूएशन में। ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्मेटिव असेसमेंट दिए होंगे, जो कि आपके ड्यूरिंग, जैसे मान लो आप कोई भी क्लास के अंदर हो एंड उस क्लास के बीच में तीन बार चार बार आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, मंथली टेस्ट इसको बोलते हैं एक्चुअली। वहां पे होता है क्या कि जो भी आप पढ़ रहे हो, आपने आपका प्रोग्रेस क्या है, टीचर को भी पता चलता है कि हाँ मैंने जो सब्जेक्ट पढ़ा है इसका नॉलेज इतना है, ये यहाँ से क्वेश्चन कर पा रहा है, या फिर खुद को इवेलुएट करते हो। वो क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है ड्यूरिंग योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देन क्या आता है आपके पास सबमिटिव, जो कि आपके एंड में होता है, ये आपने देखा होगा जो आपके सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है, छह महीना हो गया, छह महीने में एक आपके सबमिटिव असेसमेंट होते हैं एंड उसके अगले छह महीने में और एक ऐसे होता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, इसके बारे में तो आपने बहुत मतलब रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। बोला है कि स्टेटमेंट वन बोला है कि द नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन लेबल्स इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। देखो क्वेश्चन यहां से पूछा है आपको, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से काफी बार आपके क्वेश्चन आते हैं। बोला कि बिलोंग टू द हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, एक स्टेटमेंट। दूसरा क्या बोल रहा है कि इट सेज ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन बिलोंग टू हायर लेवल ऑफ एफेक्टिव आउटकम्स, ठीक है, दो स्टेटमेंट है वही कि ये ट्रू फॉल्स है या फिर सेकंड स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स है, ये आपको बताना पड़ेगा। दोनों स्टेटमेंट को रीड करना है एंड आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों आपके गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। सो अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं तो देखो यहाँ पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आया है, ओके। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में टैक्सोनॉमी तीन तरीके के होते हैं, टैक्सोनॉमी जो होता है, एक होता है कॉग्निटिव, एक होता है एफेक्टिव, एक होता है आपका साइकोमोटर, ओके। तो कॉग्निटिव में हमने क्या निमोनिक्स पढ़ा था, KCRC, ये सब हमने करवा रखा है, अगर आपने देखा है तो डेफिनेटली जाइए YouTube में भर भर के इसके रिगार्डिंग है। KCRC, नॉलेज कॉम्प्रेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। अब देखो सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन जो होते हैं वो होंगे आपके हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग में, बट यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है नॉलेज एंड कॉम्प्रेंशन एंड एप्लीकेशन मतलब KCA, ये क्या हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग होंगे, नहीं होंगे। तो इसी के साथ ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, आपका सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन होंगे हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग में। फिर उसके बाद इफेक्टिव आउटकम में क्या पूछा है, इफेक्टिव आउटकम में क्या है इसका निमोनिक्स, R square VOC। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन बिलोंगिंग टू हायर लेवल, यस ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, दिस बिलोंगिंग टू हायर लेवल ऑफ एफेक्टिव आउटकम, तो ये ट्रू हो गया।
और साइकोमोटर में क्या मैंने निमोनिक्स बताया था, आई एम पान, आई एम पान का पत्ता, आई एम पैन से याद रख लो। तो यहाँ पे आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन होते हैं आपके हाईएस्ट लेवल ऑफ डोमेन में। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है बट ये गलत है। तो क्या होगा, स्टेटमेंट वन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और आपका स्टेटमेंट टू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर फोर में गिवन है, दैट इज योर स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड योर स्टेटमेंट टू इज ट्रू। ठीक है, आई होप सबको ये क्लियर होगा। चलते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोला है, देखो काफी छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला कि व्हिच थ्योरी ऑफ लर्निंग सपोर्ट्स द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, व्हिच थ्योरी ऑफ लर्निंग सपोर्ट्स द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, इज दैट थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग, इज दैट रीइन्फोर्समेंट थ्योरी, इज दैट नीड रिडक्शन थ्योरी, या फिर इज दैट कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी। ठीक है, काफी आई थिंक सर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप आराम से आंसर बता सकते हो अगर आपको तो पता है। तो इससे जानने से पहले ये लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन पूछा है, तो लेवल्स ऑफ टीचिंग कितने टाइप्स के होते हैं आपके, कितने टाइप से लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं, तीन लेवल। क्या है, मर जाना, मर MUR, MUR से याद रख सकते हो। एक होता है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। मेमोरी लेवल बेसिकली रटाफिकेशन होता है, यहाँ पे रोट लर्निंग के ऊपर फोकस होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपका रिलेशनशिप देखा जाता है, क्या देखा जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट्स, यहाँ पे जो भी चीज पढ़ते हो उसको रिलेट करके पढ़ते हो। रिफ्लेक्टिव लेवल में यहाँ पे आपका क्या होता है, क्रिटिकल एनालिसिस होता है। क्या होता है, क्रिटिकल एनालिसिस होता है। अब ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हो। अब जैसे यहाँ पे देखो थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग, अब जो कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग मतलब जैसे कंडीशन किसी चीज को करना, ओके। जैसे सोशल कंडीशनिंग थ्योरी आपने पढ़ा होगा, बच्चों को कंडीशनिंग किया जाता है। तो ये हाँ स्टार्टिंग फेज में ये आपका मेमोरी लेवल में आ जाएगा, बच्चों लेवल, बच्चों का लेवल में आ जाएगा। तो ये तो नहीं होगा, इसको आप एलिमिनेट करो। रीइन्फोर्समेंट थ्योरी बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, यहाँ पे रीइन्फोर्समेंट थ्योरी में क्या होता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का कंसेप्ट होगा। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप बुरे काम करोगे तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगा। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, तो ये हो गया आपका रीइन्फोर्समेंट थ्योरी में। नीड रिडक्शन थ्योरी, ये भी आपका रोट लेवल, मेमोरी लेवल में आ जाता है, तो ये भी नहीं होगा। देखो कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, अब कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू योर माइंड। यहाँ पे आप क्रिटिकली एनालिसिस करते हो किसी चीज का, बहुत ही डीप एनालिसिस करते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। तो इसका एक्सप्लेनेशन एड ऑन है लास्ट इसके स्लाइड में। देखो कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग क्या होता है, ये एम्फसाइज किसके ऊपर करता है, कंसेप्ट दैट लर्निंग इज अ प्रोसेस, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, दिस इज द कीवर्ड, प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। मतलब यहाँ पे एक ह्यूरिस्टिक अप्रोच के ऊपर फोकस करते हो। ह्यूरिस्टिक अप्रोच मतलब यहाँ पे आप किसी चीज को इनोवेट करके पढ़ते हो, यहाँ पे आप खुद बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हो किसी चीज को जानने के लिए, ओके। तो दिस इज डिस्कवरी। अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड फाइंडिंग सिग्निफिकेंस इन सेंसरी एक्सपीरियंस अराउंड बाय द एक्सटर्नल सिचुएशंस, और ये थ्योरीज मेंटेन दैट इंडिविजुअल एग्जिस्ट इन एन एनवायरमेंट फील्ड विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। और यहाँ पे याद रखो ये एक डायनामिक अप्रोच होता है, की वर्ड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये एक डायनामिक अप्रोच होता है, फ्लेक्सिबल अप्रोच होता है, इट्स अ एवर चेंजिंग प्रोसेस। यहाँ पे आप इनोवेट करते हो किसी चीज का, इनोवेट करते हो किसी चीज का, आप डिस्कवरी करते हो, ओके, दिस इज द कीवर्ड। यहाँ पे आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो किसी चीज का, तो ये सब आपके रिफ्लेक्टिव लेवल में आ जाते हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल को पहुंचने के लिए आपको मेमोरी लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, फिर जाके आप रिफ्लेक्टिव लेवल में पहुंच जाओगे, ओके। तो ये थे इसका आंसर, कॉग्निटिव लर्निंग विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के पास, यानी कि क्वेश्चन नंबर फाइव के पास। देखो क्वेश्चन नंबर फाइव आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग से पूछा गया है, देखते हैं कि क्या किसको किसके साथ मैच करना है। तो लिस्ट वन में आपके पास क्या है कि लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, नेक्स्ट क्या है आपके पास ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल्स, देन मेमोरी लेवल, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है, चार लेवल दिया गया है। राइट हैंड साइड क्या है उनका जो भी फीचर्स है वो आपको गिवन है, क्या क्या है कि इट इज प्रॉब्लम सेंटर्ड एंड रिक्वायर्स ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर्स मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड मोर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिवनेस, तो ये किस में होता है आपको बताना है। देन लेज स्ट्रेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स फीलिंग्स एंड मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ हार्ड थिंकिंग एंड इट इज ए कंपैरेटिवली थॉटलेस
एंड एट द एंड वी हैव इट एम्फसाइजेस ऑन सीइंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल्स एंड द सॉलिटरी फैक्ट्स. ठीक है, तो आपके पास चार डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स जो है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है. देखो आपके जो भी मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है उसको करने का सिंपल सा तरीका है. आप देखो आइदर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चार दिया गया ना, देखो तो इसमें से आपको किस कौन सा चीज 100% आता है, या फिर आप राइट हैंड साइड में देखो कि यहां से आप किसको पहले चूज कर सकते हो. तो वहीं पे पहले मान लो फॉर एग्जांपल मुझे इसको इसके साथ मैच करना है, एंड ये जो आपने मैच किया ये 100% आपको श्योर होना पड़ेगा कि नहीं इसका आंसर तो यही होगा. तो उससे देखोगे आपको दो आंसर या फिर कभी कभी तो तीन तीन आंसर वहां पे एलिमिनेट हो जाते हैं, वहीं से आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा, बन जाता है. ये अगर ये देखेंगे सर, ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे एक ही क्वेश्चन से, एक ही ऑप्शन से ही बन जाएगा. तो देखो हमने पढ़ लिया मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल. मेमोरी लेवल को हम बोलते हैं थॉटलेस लेवल. तो बी का थ्री कहां पे, बी का थ्री एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर थ्री विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो यही अप्रोच आपको एग्जाम में फॉलो करना है. अब क्या होता है, महान पुरुष ऐसे बैठे रहते हैं, वो क्या करेंगे, उनको थोड़ा संतुष्ट फील नहीं होता है, वो थोड़ा अपने फील नहीं कर पाते को भी कुछ नहीं, मतलब वो फील नहीं कर पाते कि मतलब कि ये एग्जैक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा. तो वो क्या करेंगे सर, यहाँ पे वो बैठ देखेंगे ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल क्या है, ये ले स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट फीलिंग एंड मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ हार्ड थिंकिंग. फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, देखो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, मैंने क्या कीवर्ड बताया था, रिलेशन. आप किसी चीज को रिलेट करके पढ़ते हो, तो सी का हो गया आपका फोर, सी का हो गया फोर. रिफ्लेक्टिव लेवल क्या हो जाता है, ये देखो रिफ्लेक्टिव लेवल में किसी प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच होता है, किसी चीज का प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का कोशिश करते हो. तो ये देखो ये होता है प्रॉब्लम सेंटर्ड, ये होता है प्रॉब्लम सेंटर्ड. और यहाँ पे लर्नर जो होते हैं बहुत ही ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, यहाँ पे हम क्या अप्रोच फॉलो करते हैं, ह्यूरिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हैं. किसको अप्रोच को फॉलो करते हैं, ह्यूरिस्टिक. और मेमोरी लेवल में हमारा बेसिकली होता है पैडागॉजी, मेथड ऑफ टीचिंग होता है, बच्चों को पैडागॉजी अप्रोच फॉलो किया जाता है. अंडरस्टैंडिंग लेवल में बेसिकली आपको एंड्रागॉजी अप्रोच को देखा जाता है. ओके तो इसी के लिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर थ्री. और इसी के साथ हमारे पांच क्वेश्चंस, आज के फाइव क्वेश्चंस पूरे यहीं पे कंप्लीट होते हैं. एंड आई होप आपको ये सारे के सारे फाइव क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे, कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और आपको ये सेशन मजा भी आ रहा होगा. ये जो हम फाइव क्वेश्चंस अ डे कीप्स फेल्योर अवे जो कर रहे हैं, इससे आप डेफिनेटली आपको जब आपका एग्जाम टाइम आएगा बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा आपके पेपर वन में. ओके सर, डेफिनेटली. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऐसे ही हमारा ये जो सीरीज आगे कंटिन्यू होता रहेगा. तो अगर आपने बाकी की जो भी वीडियोस हैं अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज प्लेलिस्ट को क्लिक करके वहां पे जो भी प्रीवियस वीडियोस है उसको आप देख सकते हैं. ठीक है, और क्या इनिशिएटिव कर सकते हैं आपके लिए, और क्या लेके जो भी आपके सजेशन से रिगार्डिंग दिस यूजीसी नेट एग्जाम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो डेफिनेटली हमें चैट सेक्शन में बताते रहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वी विल ट्राई टू ब्रिंग दैट फॉर यू गाइस. ठीक है, आपके लिए लेके आएंगे. देखिए यहाँ पे हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं. यहाँ पे हम चाहते हैं आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, आप भी अपना क्वेरीज बताइए, आप अपना डाउट पूछिए बताइए, और जो भी सजेशन देना है डेफिनेटली सजेशन लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन इज ओपन टू ऑल ऑफ यू. डेफिनेटली अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो डेफिनेटली हम आपके लिए वो सब चीज लेके आएंगे. विद दैट नोट वी आर वाइंडिंग अप आवर सेशन. थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद अस. इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयर, केयरिंग. शेयर करोगे डेफिनेटली भगवान भी आपका भला करेगा. ओके, जो लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से आपका भी भला हो जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच, एंड अंटिल वी मीट अगेन, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू.